would you want to be in future? I would like to be an engineer. Wow, engineer. And you? I would like to be a nurse. Yes, that's good. And Arose, what would you want to be in future? Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. भाइयों मेरी बात सुनो, नया नया साल है, नया नया माल है, नई नई न्यूज है, नए नए सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी भाइयों। एक महीने के अंडर अंडर हमें 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए जनवरी के एंड तक। आपके पास 31 डेज का टाइम है, सब्सक्राइब कर लो भाई। आपने पिछला वाला टारगेट कंप्लीट करा दिया, अब इस वाले की बारी है। प्लीज यार कर लो, आप सबकी जो इज्जत है लाइन पे है, देखते हैं कि आप में दम है या नहीं है। आज की जो पहली न्यूज है वो किया की तरफ से आती है, जिनके जो करेंज है, जो कि इस ब्रांड की एक नई एमपीवी है जिसमें आपको बढ़िया फीचर मिलते हैं, आपको डिसेंट लुक्स मिलती है। और किया कह रही है कि एक कॉम्बिनेशन है एक एसयूवी का और एक एमपीवी का, और ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट अवे एमपीवी है। और इसकी जो बुकिंग है जनवरी 14 से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको बुकिंग करानी है आप करा सकते हैं, और अपनी जो किया करेंज है उसे ले सकते हैं। और जिसका प्राइस है वो तो अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन जो उसका प्राइस है ऑब्वियसली किया सेल्टोस से महंगा होने वाला है, जो ह्यूंडई कैज उससे सस्ता होने वाला है। तो भाई आपको हिंट दे दिए भाई मैंने, बहुत ही बढ़िया। तो इस वाले बेसिस पे अगर आपको बुकिंग करानी है कराओ भाई, आपके सामने है बुकिंग वाला सारा पोर्टल वगैरह, और नहीं करानी तो आई डोंट केयर। दोस्तों 2022 के लिए सबने रेजोल्यूशन वगैरह बनाए होंगे कि इस साल में पतला होऊंगा, इस साल में मोटा होऊंगा, इस साल में सोऊंगा कम, इस साल में सोऊंगा ज्यादा, ऐसे कुछ भी आपके होंगे रेजोल्यूशन। मेरा साल का रेजोल्यूशन है एक सैवेज इंटू 69 420 बंदा बनना। इतनी ज्यादा भाई सैवेज चीजें बोलेंगे ना हम, जिसके ऊपर हम सैवेज चीजें बोल रहे हैं उसका जो दिल है वो फूट जाएगा भाई अंदर ही अंदर उसके शरीर के, इतनी ज्यादा सैवेज होगी वो चीजें। तो भाई अगर आप रेडी हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई अभी के अभी। जो दूसरी न्यूज है एकदम ब्रेकिंग न्यूज है और मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का जिसका नाम है टाटा मोटर्स। मेरे पास शेयर है इस कंपनी के थोड़े बहुत, और ऑफिशियली जो टाटा मोटर्स है इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर बन गया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और इस ब्रांड ने ह्यूंडई को भी पीछे छोड़ दिया है और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर बन गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप 2 साल पहले तक देखें तो ह्यूंडई मोटर्स में और टाटा मोटर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस था दोनों की सेल्स में, दोनों की क्वालिटी में, दोनों की ब्रांड वैल्यू में। लेकिन अब 2021 के एंड तक टाटा मोटर्स इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर बन गया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और इससे बड़ी बात यह है कि इस ब्रांड ने पिछले महीने या फिर दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट 2500 यूनिट बेची है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स की, जो कि टिगोर ईवी हो गई या फिर नेक्सॉन ईवी हो गई, जो कि और बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखो, फॉर एग्जांपल कोना ईवी या फिर एमजी ZS ईवी, ये गाड़ियां सारी मिला के भी जो टाटा मोटर्स की सेल है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में उनसे कम्पीट नहीं कर सकती। और भाई जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिपार्टमेंट है उसमें 6-6 महीने का वेटिंग चल रहा है। तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, आप सबको ऑफिशियली समझ आ रही है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। और ऐसे भाई यूट्यूब चैनल्स में भी होना चाहिए, बहुत ही सारे चैनल्स हैं जो कि नकली कार्स दिखा के अपनी अपने व्यूज बटोरे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से असली चैनल है जिस पे आपको व्यू देने हैं, और कौन से ऐसे चैनल है जो कि गाड़ी है भी नहीं अपनी पर दिखा रहे हैं कि अपनी है। अब आप समझ गए होंगे भाई। अगली न्यूज है हमारी मोदी जी की तरफ से, जिन्होंने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मैबाख S650 गार्ड लिया है, जो कि 12 करोड़ की आर्मर्ड गाड़ी है जिसमें आपको B7+ प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। और ये जो गाड़ी है इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी है। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा अरिस्टो कार की। और भाई हमारे जो मोदी जी है उन्होंने एक मर्सिडीज मैबाख नहीं ली, उन्होंने 2 ली है, क्योंकि उनका मोटो है 1 to stock and 1 to rock। अगली हमारी न्यूज है कर्नाटका से, जिसमें एक अंकल जी ने गाड़ी खरीदने के बजाय एक घोड़ा खरीद लिया। तो आपने सुना होगा कि कोई बंदा फॉर्च्यूनर लेने जा रहा है लेकिन उसने एंडेवर ले ली, कोई बंदा क्रेटा लेने जा रहा है लेकिन उसने सेल्टॉस ले ली। लेकिन ये जो अंकल जी है ये एक्सट्रीम लेवल है, ये गए थे गाड़ी लेने लेकिन घर लेके आ गए घोड़ा। और भाई सोचो आप बाई चांस आप अपने घर में बता रहे हो कि आज मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ अपनी मम्मी वगैरह को, और मतलब पूजा वूजा की तैयारी वगैरह करके रखना, इसे ऐसे बाहर लेके जाएंगे लॉन्ग ट्रिप पे, और आप घर आते हो तो एक घोड़ा लेके आ जाते हो भाई। सोचो
भाई क्या होगा। और जब इन अंकल जी से पूछा गया कि भाई साहब आपने घोड़ा क्यों खरीदा और गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, तो इनका रिप्लाई ये था कि पहली तो जो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है और गाड़ी की जो ड्राइविंग कॉस्ट है बहुत ही महंगी होती है, पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया है और गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो भी काफी महंगी होती है, और सेकंड जो गाड़ी है वो बहुत ही पॉल्यूशन फैलाती है, तो जो हमारे अंकल जी है वो चाहते नहीं थे कि कोई भी पॉल्यूशन फैले उनकी तरफ से, और थर्ड अंकल जी का कहना है कि उन्हें फिटनेस का बहुत ही शौक है और वो हर एक महीने 4,000 रुपए जिम पे खर्चते थे अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब जो अंकल जी है उन्होंने घोड़ा खरीद लिया है तो उन्हें फिटनेस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो जो घोड़ा है उसकी वो देखभाल करेंगे, उस पे ऐसे हॉर्स राइडिंग वगैरह करेंगे, तो अपने आप जो उनकी फिटनेस है एकदम सही रहेगी। तो भाई उनके 4,000 भी बच गए, उनकी जो गाड़ी की कॉस्टिंग है वो भी बच गई और घर में एक बढ़िया सा घोड़ा भी आ गया भाई, तो बढ़िया चॉइस थी भाई आपकी। और भाई मैंने आज तक जितनी भी न्यूज बताई है ना उसमें से सबसे मजा भाई ये वाली न्यूज बताने में आया मुझे। अगली न्यूज है हमारी लैंड रोवर की तरफ से, जिसकी जो डिफेंडर है उसकी एनकैप रेटिंग हुई यूरोप में और इस गाड़ी ने 5-स्टार रेटिंग स्कोर करी है जो कि चलो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग देखो तो भाई ये गाड़ी हिली नहीं भाई, इसकी जब क्रैश टेस्ट हुआ हिली नहीं भाई, ये गाड़ी इतनी भारी और इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी बिल्ड की कि भाई सामने से जब इस गाड़ी का क्रैश हुआ तो जो इसका बोनट वगैरह है वो तो ऑब्वियसली क्रम्पल हो गए, लेकिन भाई इसके दरवाजे देखो, इसकी खिड़कियां देखो, इसकी छत देखो भाई, सारा कुछ एकदम ब्रांड न्यू है भाई, एक खरोच तक नहीं आई किसी भी पार्ट में, और जो सिर्फ सामने का पार्ट है वो थोड़ा पिचक गया जो कि ऑब्वियसली होना था, तो भाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया क्वालिटी है इस गाड़ी की बिल्ड की, और साथ ही में इस गाड़ी के लोअर वाले पार्ट्स की भी क्रैश टेस्ट हुआ तो भाई इसका बॉनेट हिला भी नहीं भाई, एकदम सीधा है और इस गाड़ी का क्रैश भी हो गया, और ये भी अगर आपको कम लग रहा है तो इस गाड़ी का साइड में भी क्रैश टेस्ट हुआ और ये गाड़ी पलटी भी नहीं, जबकि इससे बहुत ही हल्की गाड़ियां जो कि इससे छोटे साइज की है वो भी पलट जाती है, लेकिन ये गाड़ी एकदम सीधी रही। तो भाई दांत है भाई लैंड रोवर की बिल्ड क्वालिटी को, इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है भाई डिफेंडर, इतनी ज्यादा मजबूत गाड़ी है कि भाई सामने आगे पीछे कैसे भी ठोक दो इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला भाई, से एकदम सही रहेगी भाई ये। अगली न्यूज आती है हमारे महाराष्ट्र से, जिनकी जो सरकार है जिन्होंने अर्ली बर्ड एक सब्सिडी रखी थी ईवीज खरीदने पे, जिस पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं चाहे वो एक 2-व्हीलर हो या फिर एक 4-व्हीलर, उसमें आपको 5,000 रुपए पर किलोवाट आवर की सब्सिडी मिलेगी जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख तक की हो सकती है, तो इससे जो सरकार है काफी प्रमोट कर रही थी ईवीज खरीदना और ऐसा हुआ भी, और जो इसकी एंड डेट थी इस वाली सब्सिडी की वो 31 दिसंबर 2021 की थी, लेकिन इस वाली सरकार ने उसे 3 महीने से एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 की कर दी है, तो अगर आपको अगले 3 महीने में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है आप खरीद सकते हैं, आपको 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है, और मेरे ख्याल से जो सरकार है उसे अभी भी ये वाली सब्सिडी बंद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि भाई अभी तो एडॉप्शन शुरू हुई थी इलेक्ट्रिक कार्स की इंडिया में और अभी भाई सरकारें बंद करी है, तो भाई ये मेरे ख्याल से थोड़ा खराब है, अभी 1-1.5 साल एटलीस्ट चलनी चाहिए ताकि और लोग जो इलेक्ट्रिक कार्स है उन्हें खरीद पाए और ताकि और लोग प्रमोट हो इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने को, तो भाई देखते हैं अब क्या होता है आने वाले महीनों में। अगली न्यूज है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिनकी जो अल्ट्रोज है उसका एक ऑटोमेटिक वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 3 से 4 महीने में, और अभी तक ये गाड़ी पेट्रोल में भी आती है डीजल में भी आती है लेकिन इसमें कोई भी ऑटोमेटिक वर्जन नहीं आता, लेकिन 2022 के मार्च और अप्रैल के आसपास इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक वर्जन मिल सकता है, जिसमें आपको इनिशियली सिर्फ पेट्रोल के ऑप्शन में मिलेगा और बाद में शायद डीजल में भी आ जाए, देखते वो कब आएगा, लेकिन जो पेट्रोल है वो तो कंफर्म है, पर भाई ये सोचने की बात है कि जो पंच है उसमें भी AMT वाला वर्जन आता है लेकिन जो अल्ट्रोज है उसमें नहीं आता, भाई इसकी सेंस क्या बनती है टाटा मोटर्स को ही पता होगा, मुझे नहीं पता भाई। अगली न्यूज है चंडीगढ़ और गुवाहाटी की तरफ से, जिसमें जो चंडीगढ़ है उसमें नई कार की रजिस्ट्रेशन 25% से इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू पिछले साल, और जो गुवाहाटी है उसमें ऑलमोस्ट 14% से इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू पिछले साल, और अभी भी जो प्री कोविड लेवल है उससे थोड़ा कम है, लेकिन अगले साल तक आप कह सकते हैं कि जो प्री कोविड लेवल है उससे भी पार जा सकती है, क्योंकि जो पिछले साल है थोड़ी चिप शॉर्टेज चल रही थी तो इसलिए बहुत ही सारे कस्टमर्स को अपनी गाड़ियां मिल नहीं पाई, लेकिन इस साल मिलेगी, इस साल जो चिप शॉर्टेज है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, तो इसलिए इस साल भाई हमारी जो इंडिया है उसमें रिकॉर्ड गाड़ियां बिकेंगी, और मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया की कार मार्केट है बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि अभी सिर्फ 1,000 लोगों पे सिर्फ 22 गाड़ियां है इंडिया में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1,000 लोगों पे एटलीस्ट 200 गाड़ियां हो। अगली न्यूज है ऑडी की तरफ से, जिनकी जो Q7 है इंडिया में लॉन्च हो रही है जनवरी के एंड तक या फेब के स्टार्टिंग में, और इस गाड़ी की जो थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो सामने आ गई है, जिसमें इस गाड़ी में आपको V6 इंजन मिलेगा पेट्रोल में, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 400 हॉर्स पर मिलेगी, और जो टॉर्क है पहले से आपको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो इस गाड़ी की एजिलिटी है जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है पहले से बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो गाड़ी का वेट है पहले से कम है लेकिन जो गाड़ी की पावर है आपको पहले से बढ़िया मिलती है, और साथ ही में जो गाड़ी की लुक्स है पहले से बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपको इस गाड़ी में डिटेल में वीडियो चाहिए कारवासल को सब्सक्राइब कर लो उस पे आने वाली है। और लास्ट में जो हमारी न्यूज है थोड़ी अलग सी है, जिसमें कार देखो जो कंपनी है आप जानते होगे काफी अच्छी वेबसाइट है इनकी, इस कंपनी ने अपनी 2021 की मोस्ट रिसर्च्ड कार्स ऑफ 2021 की लिस्ट निकाली, मतलब 2021 में लोग कौन सी गाड़ी को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे इनकी वेबसाइट पे, और इस वाली लिस्ट में जो XUV700 है वो दूसरे नंबर पे आ रही है, जिसकी 7.7 मिलियन रिसर्च हुई थी 2021 में इनकी वेबसाइट पे, और जो गाड़ी पहले नंबर पे है उसका नाम है किया सेल्टॉस,
जिसकी 9 मिलियन सर्चेस हुई थी इनकी वेबसाइट पे पिछले साल में, और इसलिए भी मेरे ख्याल से क्योंकि जो किया सेल्टॉस है पिछले पूरे साल मतलब आ रही थी, और जो XUV700 है पिछले सिर्फ 5-6 महीने में आई है, तो इसलिए उसकी सर्च पिछले 5-6 महीने की है। लेकिन भाई पिछले 5-6 महीने में ही ये गाड़ी इंडिया की सेकंड मोस्ट सर्च गाड़ी बन गई है, बहुत ही बढ़िया है। फिर इसके बाद आती है किया सोनेट, उसके बाद आती है टाटा नेक्सॉन, उसके बाद आती है महिंद्रा थार, फिर आती है पंच, फिर आती है वेन्यू, फिर आती है हैरियर, फिर आती है फॉर्च्यूनर, फिर आती है एल्ट्रॉस, फिर आती है काइगर, और फिर आती है एल्काजर। और भाई इसमें क्रेटा नहीं है। भाई मैं ये सोच रहा था क्रेटा कोई सर्च नहीं कर रहा क्या आजकल, पता नहीं क्या सिस्टम है। पर मुझे इसका रीजन पता है कि हर एक जो बंदा है उसके परिवार में किसी ना किसी के पास तो क्रेटा है ही, तो भाई उसे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो अपने परिवार वाले से पूछ रहा है डायरेक्टली। और यही था हमारे आज के कार न्यूज में, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना।